तो यार आज हम फिर एक बार बात करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा ऑसम और अमेजिंग अपडेट्स के बारे में, जिनको सुनकर तुम्हें काफी मजे आने वाले हैं। और गाइस आज की वीडियो के अंदर जो अपडेट्स होने वाली है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पूरी वीडियो जो है वो ध्यान से देख लेना, स्किप मत करना, क्योंकि अगर तुम स्किप कर दोगे तो तुम बहुत सारी अपडेट्स मिस कर दोगे और बाद में मुझसे कहोगे कि ज़ेनड्रैगो एक्स ये तो यार सियापा हो गया। और गाइस हम 50,000 का परिवार बनने के काफी ज्यादा करीब है, तो यार अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि यहीं पर आपको सारी अपडेट्स बिल्कुल पहले पता चल जाएगी, जिससे आप अपने फेवरेट शोज को कभी भी मिस नहीं करोगे और हम इंडिया के अंदर आने में के कल्चर को और भी ज्यादा आगे तक फैला पाएंगे। तो चलो वीडियो के अंदर। तो यार हमारी पहली अपडेट है, इंडिया को रैंक नंबर 11th मिल चुका है उन कंट्रीज के लिस्ट में जहां पर काफी ज्यादा मांगा प्लस रीडर्स है, जो कि काफी अच्छी बात है। यानी कि ये हमें बताता है कि इंडिया में ना ही सिर्फ लोग एनीमे देखते हैं पर मांगा भी पढ़ते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। अब पर्सनली मैंने सिर्फ दो ही मांगा पढ़ी है, जो है सोलो लेवलिंग और बजर्क, जो काफी अमेजिंग थी। मैं और भी ज्यादा मांगास पढ़ना चाहता हूँ पर यार टाइम नहीं मिलता। पर यार मांगा जरूर पढ़ो, क्योंकि वहां पर तुमको आर्टिस्ट का रॉ और रियल इमेजिनेशन देखने को मिलता है। अब एनिमे जब बनती है तो काफी बार स्टूडियोज जो है वो काफी कुछ कट कर देते हैं या फिर अपने आप से कुछ तो ऐड कर देते हैं, पर मांगा में तुमको लिटरली रॉ और रियल विजन दिखती है, जो पढ़ने में ना काफी मजा आता है। तो यार जरूर देख लेना, जरूर पढ़ लेना और भी ज्यादा मांगास को। हमारी अगली अपडेट है लेट बैक कैम की, एनिमे मूवी की नई विजुअल बाहर आ चुकी है और ये मूवी शेड्यूल्ड है 1 जुलाई के लिए, जो कि काफी अच्छी बात है। हमारी अगली अपडेट है स्पाई एक्स फैमिली की, एपिसोड नंबर 6 का नया विजुअल बाहर निकल आ चुका है और एपिसोड नंबर 6 सब न्यूज इंडिया के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। अब काफी लोगों ने स्पाइक्स फैमिली को कहा है कि वो माय एनिमे लिस्ट पर नंबर 2 या नंबर 3 पर है, जो कि काफी वियर्ड सी बात है। अब देखो स्पाइक्स फैमिली की एनिमे को मैंने देखा जरूर है, मुझे काफी अच्छी लगी, पर यार नंबर 2 या नंबर 3 के स्पॉट को ये शायद से डिजर्व नहीं करती। यानी कि मैं कह रहा हूं अटैक ऑन टाइटन फुल मेटल अल्केमिस्ट लेवल पर इस एनिमे को डालना वो काफी वियर्ड बात है। यानी कि अगर ये 7th या 8th पर होती तो मैं कन्विंस हो जाता कि हाँ ये डिजर्विंग है, पर यार नंबर 2 या नंबर 3 आई रियली डोंट थिंक सो कि ये अटैक ऑन टाइटन से बेटर है। बट यार अब लोगों ने वोट किया है तो किया है, क्या कर सकते हैं। हमारी अगली अपडेट एक बहुत बड़ी अपडेट है, जो है पोकेमॉन जर्नीज की तरफ से, क्योंकि पोकेमॉन जर्नीज का एक नया पोस्टर बाहर निकल आ चुका है जहां पर हम स्टीवन के साथ अलान को देख सकते हैं, जो कि काफी बड़ी बात है। और काफी लोग कह रहे हैं कि पोकेमॉन जर्नीज के सीरीज के अंदर हमें स्टीवन और अलान का रिटर्न देखने को मिल सकता है। अब तुम जानते हो हमारा एश जो है वो मास्टर 8 से लड़ने वाला है, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर्स है, यानी कि भाई काफी ज्यादा तगड़े ट्रेनर्स है, और ये सिर्फ 8 ट्रेनर्स है जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में बचे हैं, जिनसे हमारा एश लड़ने वाला है। और इन 8ों में से हमें सिर्फ 3 दिखाई दिए हैं, जो है सिंथिया, लियोन और लैंस। तो काफी बड़ी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमको अलान और स्टीवन इसमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि भाई स्टीवन तुम जानते हो बहुत ही ज्यादा पावरफुल ट्रेनर है और अलान के तो क्या ही कहने, यानी कि उसने एक ही चारिज़ार्ड से लिटरली सबको हरा दिया था। तो देयर इज अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी कि हमें अलान और स्टीवन देखने को मिल सकते हैं, और शायद से कैलॉस की चैंपियन डायंत्रा भी यहाँ पर हो सकती है। तो पता नहीं कौन कौन हो सकते हैं, यानी कि हम मास्टर 8 की बात कर रहे हैं जहाँ पर लियोन और सिंथिया जैसे लोग हैं, यानी कि उस कैलिबर का ट्रेनर होना, उन 8ों के अंदर शामिल होना काफ़ी बड़ी बात है। तो भाई काफी इजीली हम कह सकते हैं कि यहाँ पर स्टीवन और अलान हमें देखने को मिल सकते हैं, जिनको देखने के लिए मैं यार काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तुम लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हो ये मुझे कमेंट्स में लिखकर बता देना। हमारी अगली अपडेट है कार्टून नेटवर्क इंडिया की तरफ से, क्योंकि जून और जुलाई का स्केड्यूल हमें मिल चुका है सूत्रों के द्वारा। तो यार जून में हमें करेज द कावर्डली डॉग और जनरेटर रेक्स देखने को मिलेगा। करेज द कावर्डली डॉग जून के शुरुआत में देखने को मिलेगा और जनरेटर रेक्स जो है वो टूवर्ड्स
इसी एंड में आएगा। और जुलाई की अगर मैं बात करूं तो तब एडवेंचर टाइम कार्टून नेटवर्क पर आने ही वाला है, क्योंकि तुमने पोल में उसे जिता दिया था। और साथ ही साथ यहां पर पॉसिबिलिटी है, यानी कि प्रोबेबिलिटी है कि जुलाई के एंडिंग के टाइम हमें सैमुराई जैक या फिर जॉनी ब्रावो देखने को मिल सकते हैं, या फिर इंटायरली कोई दूसरा शो आ सकता है। तो यार देखते हैं क्या होता है और जून जुलाई के स्केड्यूल के लिए तुम कितने ज्यादा एक्साइटेड हो। यहां पर कोई एनीमे तो अब तक अनाउंस की नहीं गई है, पर कार्टून नेटवर्क के ओरिजिनल शोज हैं जो देखने में काफी मजे आने वाले हैं। यानी कि करेज द कावर्डली डॉग भाई काफी मजेदार होगा, जनरेटर रेक्स देखने में मजा आएगा, तुम में से काफी लोगों ने एडवेंचर टाइम की मांग की थी, अब देखो वो भी आ रहा है, और सैमुराई जैक जॉनी ब्रावो देखते हैं यार क्या आता है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हमारी अगली अपडेट एक बहुत बड़ी अपडेट है जो है ड्रैगन बॉल सुपर की तरफ से, और ड्रैगन बॉल सुपर का जो नया स्केड्यूल निकला है वो बहुत अमेजिंग है। यानी कि हमें ये पता था कि 22 में सुबह के 9 बजे कार्टून नेटवर्क पर ड्रैगन बॉल सुपर आएगा, पर ये नहीं पता था ये 9 बजे से कब तक आने वाला है। और भाई ये स्केड्यूल देखकर मैं पागल हो चुका हूँ, लिटरली मैं पागल हो चुका हूँ, क्योंकि तुम देखो अपनी स्क्रीन के सामने ड्रैगन बॉल सुपर सुबह के 9 बजे से रात के 10:30 बजे तक दिखाया जाएगा कार्टून नेटवर्क पर। यानी कि 22 मई को अब सुबह के 9 बजे से रात के 10:30 बजे तक कार्टून नेटवर्क पर ड्रैगन बॉल सुपर के एपिसोड्स देख सकते हो, और टोटल में कुछ 22 से लेकर 23 एपिसोड समेत एक ही दिन में दिखाए जाने वाले हैं। बाप रे भाई बाप रे। और ये मत सोचना कि भाई अगर मैंने मिस कर दिया तो क्या होगा, तो टेंशन मत लो, अगर आपने संडे के दिन इसे देखा नहीं तो मंडे ऑनवर्ड शाम के 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक आपको दो एपिसोड्स देखने को मिलेंगे। यही सारे एपिसोड्स जो संडे के दिन दिखाए जाएंगे वही मंडे से लेकर फ्राइडे तक रिपीट किए जाएंगे, तो यार टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर यार संडे को ज़रूर देखना, यानी कि प्रीमियर के दिन अगर आप टीआरपी दोगे तो उसकी तो अलग ही वैल्यू होती है, तो भाई वो जरूर करना प्रीमियर के दिन, यू नो टीआरपी देना। और मैं खुद इसकी वॉच पार्टी रखने वाला हूँ यूट्यूब पर नहीं, मेरा प्लान था यूट्यूब पर वॉच पार्टी करने का, पर यार तुम जानते हो टोई एनिमेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक्स देते हैं, यानी कि ड्रैगन बॉल के बड़े बड़े क्रिएटर को उन्होंने नहीं छोड़ा, तो मेरे चैनल को तो यार वो लोग स्ट्राइक आराम से देंगे। इसीलिए जो है मैं वॉच पार्टी इंस्टाग्राम पर कर रहा हूँ, यानी कि मैं सुबह के 9 बजे से रात के 10 बजे ट्राई करूँगा वॉच पार्टी रखने की। तो यार मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो @zendragoeggs पर। और तुम ऐसे काफ़ी लोग कह रहे थे कि तुम्हें फेस कैम वीडियो देखनी है, तो इस लास्ट वाली सेगमेंट के बाद मैं आपको एक फेस कैम क्लिप दिखाने वाला हूं मेरी। तो तब तक के लिए बस बाय टाटा नमस्ते सलाम, खुद का ख्याल रखें, ऐसे बुरे वक्त में की वॉचिंग ज़ेन ड्रैगो एक्स। तो यार तुम लोग जानते हो इस संडे को क्या होने वाला है, यार इस संडे कार्टून नेटवर्क जो है वो एकदम अल्टीमेट फॉर्म में जा चुका है, क्योंकि लिटरली 12 घंटे तक ड्रैगन बॉल की सीरीज दिखाई जाएगी, यानी कि शायद से 12 से ज्यादा घंटे होंगे, यानी कि ये लोग सुबह के 9 बजे शुरू करेंगे और लिटरली रात के 11-12 बजे तक हमें लिटरली पूरी ड्रैगन बॉल की सीरीज ये लोग शायद दिखाएंगे जाएंगे। यार तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या मुझे इंस्टाग्राम पर लाइव करना चाहिए, यानी कि 12 घंटे पूरी वॉच पार्टी करेंगे, तो मैं पूरे दिन लिटरली टीवी लगाकर ड्रैगन बॉल हिंदी में देखने वाला हूँ। तो क्या हमें लाइव वॉच पार्टी करनी चाहिए या नहीं ये मुझे बता देना, मैं ऐसे मोबाइल रख दूंगा टीवी पर ड्रैगन बॉल चलता होगा, मैं यहाँ पर तुमसे बात करूंगा थोड़ी थोड़ी। तो यार तुम्हें क्या लगता है हमें ये करना चाहिए या नहीं ये मुझे कमेंट्स में लिखकर बता देना, क्योंकि लिटरली बहुत बड़ा मोमेंट है यार, एनीमे इंडिया में आ रहा है भाई, कर लेंगे यार जो कर सकते हैं। तो यार देखते हैं क्या होता है, मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसके लिए, तो भाई तुम बता देना मुझे कॉमेंट्स में। बाय बाय।